हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने बात की थी नेचुरल रबर की, और अपन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। हमने सिस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन और गुटा परचा और भी काफ़ी चीज़ें अपन लोगों ने देखी थी। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी वल्केनाइज रबर की, बात की थी उसकी प्रॉपर्टीज़ की, बातें की थी। ठीक है, आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है जो है को पॉलीमराइजेशन, उसके बारे में। ठीक है, हमने इस को पॉलीमर का नाम सुना था स्टार्टिंग के लेक्चरों में, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज़ होकर कोई पॉलीमर बनता है तो उस पॉलीमर को हम बोलते हैं को पॉलीमर। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये पॉलीमर बन रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सेम टू सेम जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि मोनोमर्स का यूज़ होकर मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे और हम लोग का पॉलीमर बनेगा। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर्स का कन्वर्जन पॉलीमर में होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? पॉलीमराइजेशन। ठीक, सेम टू सेम वैसे हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि को पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसमें भी हम लोग का एक को पॉलीमर फॉर्म होगा। ठीक है, जब हम लोग का दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज़ हुए होंगे। ठीक, तो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग बोथ मोनोमर्स लिंक्ड इन वन चेन इज कॉल्ड को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि अगर मोनोमर्स आपस में ऐड होंगे तो वो एक चेन की फॉर्म में हम लोग का लिंक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली घटना रहती है कि सारे मोनोमर्स आपस में एक ही चेन से ऐड हुए हैं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, को पॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ को पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी तक अपन लोगों ने जब पॉलीमर पढ़ा था, जो पॉलीमर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कंडेंसेशन पॉलीमर, जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज हो रहे थे, सॉरी, और वहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रहा था और मोनोमर्स आपस में ऐड होकर पॉलीमर फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अगर देखिए हम लोग जो मोनोमर्स यूज़ हो रहे हैं, जो दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स को अपन लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर इन मोनोमर्स के अगर हम परसेंटेज की बात करें कि दोनों मोनोमर का डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है, तब जो हम लोग का पॉलीमर फॉर्म होगा वहाँ पर पॉलीमर का हमें मिक्सचर मिलेगा। तो अगर जब ऐसे हमें पॉलीमर के मिक्सचर मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो हम लोग का को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, अगर हमें मिक्सचर मिलता है तो उस चीज़ को हम को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब की बार मोनोमर की जो स्पीसीज़ है जिन्हें हम लोग मोनोमर से कहते हैं, वहाँ पर इनका परसेंटेज डिफरेंट होगा। ठीक, और उनके ऐड होने पर हम लोग का पॉलीमर बनेगा जिसे अपन लोग को पॉलीमर बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक, दे आर फॉर्म्ड बोथ बाई चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये हम लोग का एडिशन से या फिर कंडेंसेशन, जिसे हम लोग चेन ग्रोथ या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उनसे फॉर्म हो सकता है। ठीक, इस को पॉलीमर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग का रबर से आ रहा है, और ये एक सिंथेटिक रबर है जिसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, तो को पॉलीमर का एक एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ठीक है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन बोलते हैं इसे हम एक साथ, एंड स्टायरीन को पॉलीमराइज इन टू GRS, मतलब कि ब्यूटाडाइन है और स्टायरीन है, ये क्या है, इसका मोनोमर है, दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स। ठीक है, को पॉलीमराइज इनटू GRS रबर। ठीक है, ये हम लोग का पॉलीमर का नाम है GRS रबर, ब्यूना एस या फिर SBR। ठीक, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर। ठीक, या फिर इसे हम लोग GRS रबर भी कहते हैं। ठीक है, इस GRS का कोई मतलब नहीं होता है, बस इसका नाम है। ठीक, तो हमारे पास ये रहा ब्यूटाडाइन। ठीक है, डबल सिंगल डबल क्या हो गया, ब्यूटाडाइन। हमने बातें की थी स्टार्टिंग में जब अपन लोग रबर पढ़ रहे थे कि रबर वाला जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो रबर में हमें ऐसी फ़ोटो दिखेगी कि डबल सिंगल डबल होगा। ठीक है, और दो डबल बॉन्ड के बीच में हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम लोग डबल करते हैं और इस डबल डबल को हम लोग सिंगल कर देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा। यहाँ पर क्या होगा, 1.3 ब्यूटाडाइन का 75% है, ठीक, और स्टायरीन का क्या है, 25% है। जब ऐसे हम लोग को परसेंटेज में बातें करने लगेंगे और ऐसे जब अपन लोग परसेंटेज में यूज़ करेंगे मोनोमर्स को, तब हमें जो पॉलीमर बनेगा वहाँ पर हमें मिक्सचर बनेगा पॉलीमर का। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, है ना। हम तो ये जानते हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही होती है। ठीक, तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ ब्रेक होगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ ब्रेक होगा यहाँ पर आएगा, और यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल,
ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा ब्रेक होकर, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा, ठीक। और इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाया करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि करना हमारे पास क्या होता है कि ये जो सी एच टू है, सी एच टू लगा हुआ है, ठीक है, इसको हमने सिंगल किया, सिंगल किया, ठीक है। हमने पहले भी बातें कर रखी है कि इन दो डबल बॉन्ड के बीच में हमें डबल बॉन्ड करना है और इस डबल बॉन्ड को हमें सिंगल करना है, ठीक। तो इस सिंगल को हमने डबल किया, डबल को हमने सिंगल किया, ठीक है, सिंगल किया, कहाँ गया, ये वाला सिंगल किया, ठीक। ये सी एच टू और ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड से, तो सी एच टू सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और फिर सी एच टू के बाद इस डबल को हमने सिंगल किया, सी एच टू के बाद हमने इस डबल को सिंगल किया, ठीक है। और ये सी एच, सी एच लगा हुआ है, रिंग लगी हुई है, ठीक। और ये सी एच टू जब इस मॉलिक्यूल को हम फिर से लिखेंगे तो वहाँ से एक ये सी एच टू भी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मेन हमें वही याद रखना है कि जो दो डबल बॉन्ड है इनके बीच में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड करना है जो सिंगल वाला है, और इन दोनों डबल बॉन्ड को हमें सिंगल कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, दोनों को आपस में ऐड कर देना है, हमारे पास क्या होगा, रबर बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, ब्यूना एस, एस बी आर या फिर जी आर एस नाम है इनके, जैसे एस बी आर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, या फिर इसे हम जी आर एस भी कहते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है को पॉलीमराइजेशन का, जहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि हमारे पास मिक्सचर मिलता है पॉलीमर का, ठीक। तो ये हम लोग का ख़त्म होता है को पॉलीमराइजेशन। हम लोग को जो पढ़ना था वो पढ़ना था सिंथेटिक रबर, ठीक है। हमें क्या पढ़ना था, सिंथेटिक रबर। हमने नेचुरल रबर देख लिया था जहाँ पर उसका मोनोमर था आइसोप्रीन, हमें मोनोमर्स और पॉलीमर से ज़्यादातर मतलब होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर देख लेते हैं, सिंथेटिक रबर का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले कभी ना कभी एक रबर का सोच रहा होगा जो हमारे पास नेचुरल रबर है, उस नेचुरल रबर में ही अब जो मनुष्य है अपना अलग से उसमें केमिकल्स को ऐड कर करके उसको चेंज करेगा और चेंज करके ऐसा बनाएगा रबर जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिसका यूज अपन लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर आर सूटेबल आर सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर एंड हैव इम्प्रूव्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज़ टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विथ नेचुरल रबर, ठीक है। जैसे कि बताया मैंने कि नेचुरल रबर के जो भी ड्रॉबैक्स थे काफ़ी कमज़ोर था, ठीक है। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि अपन लोग नेचुरल रबर में ही अलग से क्या करेंगे, यहाँ पर लोग उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अलग अलग केमिकल के साथ उसका रिएक्शन कराकर, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होंगे, सिंथेटिक रबर। इसमें जो पहला हमारे पास रबर है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस, जो अभी अपन लोगों ने देखा था, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूना एस, जी हाँ बिल्कुल, ब्यूना एस या फिर स्टायरीन, ठीक है, ब्यूटाडाइन रबर या फिर एस बी आर, ठीक, या फिर जी आर एस, जिसकी बात अभी हमने की थी, ठीक है। तो बस वही चीज़ फिर से देख लेते हैं, 75% किसका होगा, ब्यूटाडाइन का, ठीक है, और 25% किसका होगा, स्टायरीन का होगा, है ना। क्यूमिन यहाँ पर हाइड्रोपरॉक्साइड यूज होता है, ठीक, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा एस बी आर, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, सिंथेटिक रबर का, ठीक। अच्छा, हमें मोनोमर्स याद रखने, ठीक है, इनके मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स सबका याद ही रखना है क्योंकि मोनोमर्स पे क्वेश्चन आएंगे। जो अगला रबर है वो हम लोग के पास है ब्यूना एन, या फिर जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं एन बी आर, या फिर इसका नाम जी आर ए है, ठीक है। ये सारे कई सारे नाम हैं, ठीक है, ये सब नाम यूज होते हैं बोर्ड में, ठीक है, इन सब नामों से आता है, तो नाम कृपया आप लोग याद रखें। ब्यूना एन इज अ को पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल एंड 1.3 ब्यूटाडाइन प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, एक्रिलोनाइट्राइल और 1.3 ब्यूटाडाइन, ये हमारे पास क्या है, मोनोमर्स है, इनका यूज़ करके अपन लोग क्या फॉर्म करेंगे, ब्यूना एन को, ठीक, सॉरी। तो हमारे पास क्या है, 1.3 ब्यूटाडाइन, इसकी तो इसके बारे में बोलूँ देख ही नहीं थी जैसे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, पता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, फिर क्या लगा होता है, सी एन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। हमें तो पता है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैगनीशियम हो रही होती है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर क्या आता है, फ्री रेडिकल, यहाँ पर आता है फ्री रेडिकल, सेम टू सेम वही वाला मैनर जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी। हमें क्या करना होता है कि दोनों डबल बॉन्ड के बीच में डबल करना होता है, इन डबल को सिंगल करना होता है, ठीक है। तो देखिए सी एच टू लगा हुआ हमारे पास, ठीक, हमने इसको सिंगल किया, ठीक, सी एच, इसको डबल किया, सी एच, इसको हमने सिंगल किया, ठीक है, सी एच टू ये रहा, ये सी एच टू, ये सी एच टू,
सी एच टू, सी एच टू सिंगल बॉन्ड से लग गया यहाँ पर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगल किया, सी एच सी एन लगा हुआ है, और ये एक सी एच टू। जब इसको, जब ये वाला मोनोमर हम इसके सामने रखेंगे तो ये सी एच टू इससे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को फॉर्म कर सकते हैं, जिसका नाम है नाइट्राइल रबर या फिर एन बी आर या फिर जी आर ए, ठीक। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इट हैज़ लो स्वेलिंग, लो सॉलिबिलिटी, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है सर, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन की हमने बात की थी, वो घिसने वाली प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी प्रतिक्रिया रेजिस्टेंस है, जल्दी घिसता नहीं है। दीज रबर्स हैव गुड हीट रेजिस्टेंस, ठीक है, काफ़ी हीट रेजिस्टेंस भी है, हीट की प्रतिक्रिया है, विरोध उत्पन्न करते हैं, उनसे जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, या फिर हम ये कहें कि हीट में जाने पर जल्दी पिघलते गलते नहीं है, ठीक है। यूज़ कैसे होता है, इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल टैंक्स, ठीक है, गैसोलीन होसेस, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, जो बड़ी बड़ी हम लोग की पाइप्स होती है, जहाँ से हम लोग का गैस या फिर जो हम लोग के ऑयल्स फ्लो करते हैं, गैसोलीन होसेस, उन्हें होसेस बोलते हैं। एंड एडहेसिव लेदर, ठीक है, एडहेसिव जो हम लोग के पास जैसे गोंद समझ सकते हैं, जो हमारे चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें बोलते हैं एडहेसिव। तो इस तरीके से इसका यूज हो रहा है फ्यूल टैंक्स की तरह, गैसोलीन होसेस और एडहेसिव लेदर्स की तरह, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ब्यूनायन, हमारे पास हो गया, और ब्यूना एस हो गया, और भी हमारे पास कुछ सिंथेटिक रबर हैं जिनका नाम है, अगला है न्यूप्रीन, न्यूप्रीन, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर है पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है, या फिर इसी का नाम है जीआरएम, ठीक। तो नाम से दिख रहा है पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉली कटाएंगे बचा क्या, क्लोरोप्रीन, तो न्यूप्रीन का मोनोमर क्या हो गया, क्लोरोप्रीन, ठीक। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट एज इनिशिएटर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि सब में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन नहीं होना है, ठीक, उसके लिए हम लोग का एक इनिशिएटर यूज़ होगा जो हम लोग का चेंज हो सकता है, ठीक। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया क्लोरोप्रीन, ठीक। हम पहले ही बातें कर रहे थे कि जब भी रबर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें डबल सिंगल डबल याली हमें फ़ोटो ज़रूर दिखेंगी, ठीक है, हर पॉलीमर में दिखेगी ज़रूर, हर मोनोमर्स के स्ट्रक्चर में कह सकते हैं हम। तो डबल सिंगल डबल यहाँ पर क्या लग गया, सीएल, सीएल लग गया, तो क्या बोल रहे हैं इसे हम, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अगर यहीं पर सीएच3 लगा था तो उसे हम बोल लेते हैं आइसोप्रीन, ठीक। अब क्या करना है कि इसी मॉलिक्यूल को जोड़ना है आपस में, तो हमें तो पता है इस डबल को हमें सिंगल करना होता है, सिंगल को डबल करना होता है, डबल को सिंगल करना होता है, और ऐसे अपन लोग कार्बन की वैलेंसी के लिए बॉन्ड लगा देते हैं और इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं। चाहे तो इस मॉलिक्यूल को फिर से हम यहाँ पर लिखें और लिखते चले जाएँ, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूप्रीन या फिर जीआरएम, ठीक। ये हमारे पास ख़त्म होता है न्यूप्रीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, कई बार बोर्ड में आई है। हम लोग बात करेंगे कि जो जो क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन पर भी वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो बहुत जल्दी आएगी। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, क्लोरोप्रीन इज क्लोजली रिलेटेड केमिकली टू नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी उसके क्लोज हैं। इट कैन बी वल्केनाइज्ड बाई हीट, एलोंड, ZNO एंड MgO आर प्रिफर्ड वल्केनाइजिंग एजेंट, ठीक है। ZNO या फिर हम MgO का यूज़ करें तो इसका वल्केनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हमने बातें की थी कि अपन लोग अगर जो हम लोग का रबर है उसमें हम लोग अगर सल्फर को ऐड करते हैं तो सल्फर को ऐड करने से क्या होती थी, वहाँ पर प्रॉपर्टीज ट्रेमेंडसली बहुत चेंज हो जाया करती थी। जब अपन लोग सल्फर ऐड करते थे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं वल्केनाइजेशन, ठीक है। सल्फर की जगह और भी बहुत सारे हमारे पास एजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ZNO या फिर MgO, ठीक है। अगर यह वाला केस जो हमारे पास है न्यूप्रीन का, अगर इसमें हम ZNO या फिर MgO का यूज़ कर दें, ठीक है, हीट कर दें इनके साथ ही, तो इनका वल्केनाइजेशन हो जाता है, ठीक। न्यूप्रीन हैज़ इन्फीरियर ऑयल रेजिस्टेंस देन नाइट्राइल रबर, ठीक है। नाइट्राइल रबर हमने पढ़ा था NBR, ठीक है, उसके मतलब कि जो हम लोग का न्यूप्रीन है वो नाइट्राइल रबर की कंपेरिजन में क्या है, इन्फीरियर है। इन्फीरियर हमको पता है एक सुपीरियर होता है एक इन्फीरियर होता है, ठीक है। इन्फीरियर मतलब घटिया वाला, उसके मतलब कि नाइट्राइल रबर से इसकी जो पावर वो कम है, ठीक है, ऑयल को रेजिस्टेंस करने में, ठीक। ये बात हमको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूप्रीन हैज़ इन्फीरियर ऑयल रेजिस्टेंस देन नाइट्राइल रबर, ठीक। तो नाइट्राइल रबर के कंपेरिजन में ये कैसे हमारे पास है, इन्फीरियर है, ठीक है, मतलब घटिया वाला है। न्यूप्रीन इज़ यूज्ड एज मेकिंग होजेस, ठीक है, गैसकेट्स के बारे में बातें की हमने, एंड ग्लोब्स, ठीक, जो हमारे दस्ताने होते हैं, एंड कॉटन फैब्रिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई न्यूप्रीन लेटेक्स, ठीक। होजेस क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग, अ लॉन्ग रबर और प्लास्टिक ट्यूब दैट वाटर कैन फ्लो थ्रू, ठीक है। हम लोग पास जो रबर या प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं जिनमें से वाटर फ्लो हो रहा है उसमें बोलते हैं होजेस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनमें से लिक्विड फ्लो, ठीक है, जिनमें से फ्यूल फ्लूड हम लोग का फ्लो, उसे हम क्या बोलते हैं, होजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, न्यूप्रीन की, जिसे हम लोग बोलते हैं ZRM या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
सिंथेटिक रबर की। हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में बातें की थी, ठीक है, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और उधर हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स, मेलामाइन, ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड में आए हुए, उन पर बात करेंगे हम लोग। अब मिलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, और जो बहुत ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।